सद्गुरु कबीर की दो साखियां हैं, अमृत वस्त जाने नहीं, मगन भया सब लोए, कहें कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होए, मनमथ मरे न जीवे, जीवहि मरण न होए, शून्य स्नेही राम बिनु चले अपन पौ खोए। लोग अमृत वस्तु को नहीं जानते हैं, विष को ही अमृत मानकर उसी को ग्रहण करने में मगन है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, यदि मनुष्य के मन में कोई कामना ना हो तो फिर उसे मरना नहीं पड़ेगा। अमृत की बहुत चर्चा है, अमृत शब्द सुनते ही, अमृत नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसी वस्तु की कल्पना साकार हो जाती है जो बहुत स्वादिष्ट हो, मीठी हो, और जिसे खा लेने के पश्चात आदमी अमर हो जाता हो। लेकिन ऐसा अमृत कहीं है नहीं बाहर। वैसे हम हर अच्छी वस्तु को अमृत कह देते हैं, खूब भूख लगी हो, भूख से हम बेहाल हो रहे हैं, उस समय ताज़ा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो हम कहते हैं भैया भोजन क्या था, अमृत मिल गया। कोई आदमी बहुत कोमल और मीठी बात बोलता हो तो कहते हैं भैया उसकी बात क्या है, जैसे अमृत उसके मुख से तो अमृत निकलता है। अब बिहारी ग्रुप में ये सब अमृत है, अमृत जो मृत ना हो, उपसर्ग है लगा है मृत में, मृत का अर्थ होता है मरा हुआ और उपसर्ग निषेधात्मक अर्थ देता है, तो अमृत का अर्थ होगा जो मरा हुआ ना हो। जो मरे ना वह अमृत क्या है? आपका अस्तित्व, क्योंकि जो आपका अस्तित्व है वो कभी मरता नहीं है। आप अमर हैं,
जीव स्वभावतः अमर है, लेकिन अपने इस स्वाभाविक गुणों को न जानने के कारण, अपने स्वरूप का यथार्थ बोध न होने के कारण, हम इस शरीर को अमर बनाना चाहते हैं। और शरीर को अमर बनाने के लिए ही अमृत की कल्पना की गई है। बाहर अमृत खा लो या पी लो, फिर मरोगे नहीं। शरीर जिसका जन्म हुआ है वह तो मरेगा ही मरेगा, शरीर को अमर बना करके क्या होगा? शरीर को अमर बनाने की चेष्टा या कामना के पीछे है देहाभिमान, देहाशक्ति और दुनिया के सुख भोग की लालसा। चाहे वह सुख भोग वासनात्मक हो, चाहे मान सम्मान का हो। किस लिए अमर होना चाहते हैं? किसी व्यक्ति से पूछो, क्या तुम अमर होना चाहते हो? यदि कहता हाँ मैं अमर होना चाहता हूँ, फिर पूछो कि अमर होकर के करोगे क्या? अमर होकर के क्या करोगे? अमर क्यों होना चाहते हो? देखने के लिए, सुनने के लिए, खाने पीने के लिए, विषय भोग भोगने के लिए? तो ये तो करते आए हो आज तक, कितनी तृप्ति मिली है इससे? जब आज तक तृप्ति नहीं मिली तो अमर होकर भोगते रह जाओगे तो क्या तृप्ति मिल जाएगी? जहाँ तृप्ति है ही नहीं, वहाँ से तृप्ति पाने के लिए अमर होने की आशा, भयंकर अज्ञान। शरीर तो अमर होगा ही नहीं, लेकिन देहाभिमान और सुख भोग की लालसा, इन दोनों के कारण हमें शरीर को अमर बनाने की कामना रखते हैं। अमरता तो जीव का स्वभाव है, और जिस हर जीव स्वभावतः अमर है उसका हमें ज्ञान नहीं है, अमृत वस्तु जाने नहीं। सदगुरु कहते हैं जो अमृत वस्तु है लोग उसे जानते नहीं हैं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है लोगों को। मगन भया सब लोय, जो विषय भोग, मन की तृष्णा, कल्पनाएं जहर के समान है, उनको ही अमृत मानकर सब लोग रात दिन उन्हीं को पाने में और उनके उपभोग में मगन है। जितना बाहर से सुख भोग पाने की लालसा होगी, उतना ही हम तथ्य से अजान होते चले जाएंगे, उतना हमारा मन अशांत होता चला जाएगा। दुनिया के जो पदार्थ हैं उनसे शरीर का निर्वाह होता है और दूसरों की सेवा होती है। निर्वाह और सेवा के लिए ही
पदार्थों की उपयोगिता है, उनमें सुख खोजना अपने को धोखा देना है। इस सुख की लालसा जो है यही जहर है। क्यों पीड़ित हैं आप? अपने से पूछें कि मैं क्यों पीड़ित हूं? लालसा के कारण, कामना तृष्णा के कारण। कोई लालसा कामना तृष्णा ना हो तो कौन सी पीड़ा? किसके लिए चिंता, किसके लिए तनाव? इटले साहब कहते हैं, कहें कबीर कामो नहीं। यदि मनुष्य के मन में कामना ना हो, निष्काम हो जाए, तो फिर इस जीव को मरना नहीं होगा। निष्कामता अमृत है। सैद्धांतिक रूप में जीव अमृत है, लेकिन व्यवहार क्या है? व्यवहार में अमृत क्या है? निष्कामता। केवल सिद्धांत काम नहीं देगा। सिद्धांत तो हम जान लिए, लेकिन सिद्धांत व्यवहार में उतरता नहीं है तो सिद्धांत क्या करेगा? थ्योरी क्या करेगी जब तक उसके प्रैक्टिकल ना हो? तो जीव अमर है, अमृत है, अमृत स्वरूप है। उसका व्यवहारिक रूप है निष्कामता। कोई चाहिए नहीं तो दुख किसका बा? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। चाहनाएं मिटती जाएगी, आप निश्चिंत होते जाओगे। जितना आप चाहनाएं मिटती जाएगी, निष्काम होते जाएंगे, उतना ही अपनी अमरता का, अपने अमृत स्वरूप का बोध होता जाएगा, उसमें आप तृप्त होते चले जाएंगे। ये कामनाएं, लालसाएं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, यही हमें दीनहीन और दुर्बल बनाती है। मूलतः जीव दीनहीन नहीं है, दुर्बल नहीं है। हर जीव अमृत स्वरूप है। कहना चाहिए जीव ही ईश्वर है, खुदा है, परमात्मा है। खुदा परमात्मा कौन? तो निष्काम है, नित्य तृप्त, नित्य शांत, नित्य संतुष्ट। बाहर से और किसको आप पाकर के तृप्त होना चाहते हैं? जो मूल काम करना चाहिए वह काम हम नहीं करते। तृप्ति का साधन निष्कामता है, चाहनाओं को छोड़ना है। लेकिन हम चाहना बनाते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक चाहना बनाते हैं, तो कोई ना कोई चाहना हमारे मन में रहती है। और बाहर से हम ईश्वर, खुदा, ब्रह्म पा करके तृप्त होना चाहते हैं। आप जो आप पाना चाहते हैं वो आप हैं। कामनाओं के कारण से, इच्छाओं और आसक्तियों के कारण से समझ नहीं पा रहे हैं। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे गर्दिले बेमुद दवा होते। सिर से पैर तक लिपटी हुई इच्छाओं ने हमें बंदा, गुलाम बना दिया। जितनी इच्छा, जितनी लालसाएं, उतने आप गुलाम बनेंगे, उतने गुलामी
आपको सहनी पड़ेगी। कोई इच्छा नहीं, लालसा नहीं, काम कर रहे हैं, निर्वाह हो रहा है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर से पैर तक लिपटी हुई इच्छाओं ने हमें बंदा गुलाम बना दिया, वगरना हम खुदा थे, गर्दिले बेमुद्दवा होते। यदि हम बेमुद्दवा होते, इच्छा रहित होते, निष्काम होते, तो खुदा थे, खुदा हैं। जिसके मन में कोई इच्छा कामना नहीं, जो निष्काम है, नहीं, नित्य तृप्त है, नित्य शांत संतुष्ट है, वो खुदा है। और जिसके मन में इच्छाएं कामना है, वो बंदा है। बस फर्क इतना है। कामनाओं से बंधा व्यक्ति बंदा, कामनाओं से मुक्त खुदा। सदगुरु कहते हैं, कहें कबीर कामों नहीं। यदि जीव निष्काम हो जाए, कोई कामना ना रखे, मुक्ति की भी कामना नहीं करना है। सदगुरु श्री पुराण साहब ने तो कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान। मुक्ति की आशा है तो समझना अभी बंधन है, मुक्ति की भी आशा नहीं करना है तो प्रश्न हो सकता है, ये जितने साधु महात्मा हैं मुक्ति की कामना लेकर ही तो साधु मार्ग में आए हैं, मुक्ति की कामना रख करके ही तो साधना भजन का काम किया जाता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की कामना भी बंधन है। मुक्ति की इच्छा नहीं करना है, मुक्ति का काम करना है। मुक्ति की इच्छा तो है और कामना करें, जिस साधनों से, जिन उपायों से मुक्ति मिलती है वो काम हम ना करें और मुक्ति की केवल चाहना करते रहे तो मुक्ति मिल थोड़े जाएगी। और ये भी समझना होगा, मुक्ति मिलती उलती कुछ नहीं है, कहीं रखी नहीं है मुक्ति, कोई आपको मुक्ति देगा नहीं, मुक्ति मिलती ही, ये तो कहने का तरीका है। आप मुक्त हैं, पाना कुछ है नहीं आपको, केवल छोड़ना है। छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, छोड़ते जाए, सब कुछ छोड़ देंगे जब, तब आप शेष जो रह जाएगा वो मुक्ति होगी। लेकिन छोड़ने का अर्थ क्या है ये भी समझना होगा। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा है, मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, मुक्ति न चिन्हे कोय, अपने से जो पृथक है मुक्ति ताहि तजी होए। मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े होए, जब तक राखे अन्य को तब तक तेही को खोए। मुक्ति मुक्ति तो सब कह रहे हैं, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन साहब कहते हैं मुक्ति ने चिन्हे कोई, मुक्ति को कोई पहचानता नहीं, मुक्ति की जो यथार्थता है, सत्यता है, वास्तविकता, उसे कोई समझता नहीं है। अपने से जो पृथक है, हमसे जो कुछ भी अलग है, उनकी इच्छाओं को छोड़ देना, उनकी जो आसक्ति है, उनके प्रति जो आकर्षण है, उनके प्रति जो मन में वासना बनी है, उनको छोड़ दो, बस मुक्त है। तो मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हुए, मुक्ति ऐसी सबको छोड़ने तो होगा, छोड़ने का मतलब इच्छा, कामना, तृष्णा, वासना, अहंकार,
ये छोड़ना है। आप घर बार छोड़ दोगे, साधु आश्रम में रहोगे, वो भी तो घर हो गया। फिर चलो किसी मकान के नीचे नहीं रहते, पेड़ के नीचे रहते हैं, कपड़ा तो पहनोगे, भोजन तो करोगे, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये कपड़ा छोड़ दिए, खाली घर छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिए, ये छोड़, रुपया पैसा छूना छोड़ दिए, ये नहीं, इनके प्रति जो आसक्ति है, इस आसक्ति को छोड़ना, इनकी जो इच्छाएं मन में बनी हुई है, इच्छाओं को छोड़ना। जमीन जायदाद मठ मकान रुपये पैसे कपड़े लत्ते ये बंधन के कारण नहीं है। इनका उपयोग तो मानव मात्र को करना होता है। बंधन का कारण है इनके प्रति जो लोभ है, वह लोभ है, मोह है, तृष्णा है, आसक्ति है, इच्छा कामना है, इनके लिए मन में जो वासना है, ये बंधन का कारण। और ये हमने छोड़ने का काम करते हैं। तो मुक्ति न कोई देता है, न मुक्ति कहीं से बाहर से मिलती है। मुक्ति हर जीव का स्वरूप है, लेकिन कामनाओं में बंधे होने के कारण, तमाम इच्छाओं से लिपटे होने के कारण हम मुक्ति को समझ नहीं पाते। जैसे बाहर से हमें चीज़ें मिलती है, वैसे हम समझते हैं कि हमें बाहर से मुक्ति मिल जाएगी, कुछ मिलना नहीं है। साहब कहते हैं, कहें कबीर कामो नहीं, यदि कामनाएं मन में ना हो, कुछ भी कामना ना हो, मुक्ति की भी कामना नहीं, पूर्ण निष्काम नित्य तृप्त, बस आप मुक्त हैं, फिर आपको मरना नहीं होगा। मरते क्यों हैं? क्योंकि जन्मते हैं। जन्म लेना छोड़ दो, मरना नहीं पड़ेगा, मरने का भय नहीं होगा। तो मरते क्यों हैं? क्योंकि जन्मते हैं। जन्मते क्यों हैं? क्योंकि इच्छा है, वासना है। जिसकी इच्छा होगी, वासना होगी, कामना होगी, हम वहीं तो जाएंगे। मरते समय, शरीर छोड़ते समय संसार की वासना है, तो फिर संसार में तो आना होगा। हंस उड़ाने ताल सुखाने चहले बिंदा पाऊ, सदगुरु ने बीजक में कहा है कि हंस उड़ गया और ताल सुख गया, लेकिन आश्चर्य यह हुआ कि ताल तो सुख ही गया है, हंस उड़ ही गया है, लेकिन उड़ जाने के बाद भी हंस के जो पैर हैं कीचड़ में फंसे हुए हैं, अभी कीचड़ में धंसे हुए हैं। उलटवासी साहब के, हंस उड़ाने ताल सुखाने, दुनिया में क्या होता है, पहले ताल का सरोवर का पानी सूखता है, तो उसके किनारे रहने वाले जो पक्षी होते हैं तब वो उड़ते हैं। बाद में जब तक पानी है तब तक उसमें मछली मेढक उनको खाने को मिल जाता है, तब तक ये बगुला या अन्य पक्षी उड़ते नहीं हैं। पहले ताल का पानी सूखता है तब पक्षी उड़ते हैं। यहाँ तो आप कहते नहीं, हंस पहले उड़ गया, उसके उड़ने के बाद ताल सूखा है। चलो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी आश्चर्य क्या है, हंस के उड़ जाने के बाद उसके पैर अभी ताल के कीचड़ में ही फंसे हुए हैं। तो जब उड़ गए तो कहाँ से पैर फंसेंगे?
पैर फंसे हैं तो हैं तो कहाँ से उड़े, ये बाहर ऐसा नहीं होता। हंस उड़ाने, जीव रूपी हंस उड़ गया, शरीर रूपी ताल सूख गया। जब तक जीव शरीर में है तब तक इसमें हलचल बनी होती है कुछ ना कुछ। जीव के निकल जाने के पश्चात ही ये शरीर कुम्हराने जाने लगता है, मुरझाता है, सड़ता है, गलता है। जब तक जीव शरीर में है तब तक ये सड़ता गलता नहीं है। तो जीव हंस है, ये उड़ गया। उड़ने के पश्चात शरीर सरोवर सूख गया, लेकिन हुआ क्या, हंस के पैर अभी ताल के कीचड़ में फंसे हैं। मतलब जीव उड़ तो गया लेकिन मनोवृत्ति भी संसार में डूबी है कि फिर संसार में आता देखता सुनता तो फिर संसार में आना पड़ेगा। तो शरीर छोड़ने मात्र से काम नहीं बनेगा, शरीर की वासना छोड़ दें, शरीर की कामना छोड़ दें, बस फिर मरना नहीं पड़ेगा। और जब तक शरीर की कामना है, देहाभिमान है, देहाशक्ति है, तब तक तो बार बार जन्मना मरना चलता ही रहेगा। कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न होए। सदगुरु कहते हैं कि जैसे जीव अमर है, अमृत है, वैसे निष्कामता अमृत है। यदि आज कोई कामना मन में बना करके न रखा, सारी कामनाओं का त्याग कर दिया जाए, पूरी तरह से निष्काम हो जाए, तो फिर इस जीव को जन्म मरण चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, फिर तो ये मुक्त हो जाएगा। दूसरी साखी में सद्गुरु कहते हैं मनमथ मरे न जीवे, जीव ही मरण न होए। मनमत मर जाए और ऐसा मरे कि फिर से जीवित ना हो, तब जीव का मरना नहीं होगा। मनमत क्या है? मनमत शब्द समान रूप से काम वासना काम भोग के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन केवल काम वासना ही मनमथ नहीं है। जितने मनोविकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा या अन्य और, ये सब मनमथ हैं। मनमथ किसे कहते हैं? जिस भाव के आने पर हमारा मन मथ जाए, हम अपने में न रह जाए, मन चंचल हो जाए, व्याकुल हो जाए, अशांत हो जाए, वो सारे के सारे भाव मनमथ है। काम की वासना आई, चित्त व्याकुल चंचल, क्रोध की वासना आई, क्या अपने में रह पाते हैं? लोभ की वासना आई, मोह की वासना आई, ईर्ष्या द्वेष की वासना आ गई, कुछ भी कोई भी विकार आता है, हम अपने आप में नहीं रह जाते हैं, अपने से अलग हो जाते हैं, हम शांत बैठे हैं, अपने कमरे में शांत बैठे हैं, कोई नदी का किनारा है या कोई बाग है, वहाँ पेड़ के नीचे शांत बैठे हैं, कोई हलचल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कुछ नहीं है, शांत। इतने में मन की दशा बिगड़ी, कोई पुरानी बात याद आ गई, किसी ने हमारा अपमान किया था, हमारी निंदा की थी, कोई भोग हम भोगे थे, देखे हैं सुने थे, कुछ भी भोग उनकी याद आ गई, अब चित संचल, अब अपने में नहीं रह गए, अशांत। कोई युवक है, अकेले बैठा है, चाहे कमरे में या नदी किनारे कहीं भी, अकेले बैठे जब शांत,
इतने में उसे अपनी प्रेमिका की याद आ गई, प्रेषी की या पत्नी की याद आ गई, काम वासना से मन आतुर हो गया। अब कैसे वो मिले, कब वो मिले, कब उसका आलिंगन करूं, बस मन व्याकुल। ऐसे ही कोई युवती को अपने प्रेमी की याद आ गई, वो अशान। किसी ने निंदा कर दी थी उसकी याद आ गई, मन अशान, क्रोध से भर गया। तो मनमथ का अर्थ है जो भाव हमारे मन को मथ दे, शांत न रहने दे, अशांत, उद्वेगित, चंचल, व्याकुल, पीड़ित बना दे, वह भाव मनमथ है। और उसी को हम कहते हैं मनोविकार, चाहे कोई भी मनोविकार हो, कुछ भी विकार यदि है, और उसको हम कह सकते हैं इच्छा कामना। सदगुरु कहते हैं मनमथ मरे, मन के जो विकार हैं वे मर जाए, मतलब शांत हो जाए। विवेक द्वारा, विचार द्वारा, संयम द्वारा, साधना द्वारा, दमन करके किसी प्रकार से ये मनोविकार शांत हो जाए। सारी साधनाएं मनोविकारों को शांत करने के लिए है, और विकार उड़ते रहने की संभावना बनी रहती है। मनमथ मरे, मनोविकार शांत, लेकिन न जीवे, फिर से न उभरने पाए। ये बार बार जीते हैं, एक बार मन में काम की वासना आई, आपने चाहे सामाजिक मर्यादावश, परिस्थितिवश, चाहे उसे विवेक द्वारा या जिस किसी प्रकार से काम वासना को शांत कर लिया, तो अब ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर से काम वासना मन में नहीं आएगी, फिर से आ सकती है, बार बार आएगी। एक बार मन में क्रोध आया, किसी ने कुछ गाली दी, कुछ किया, नुकसान कर दे, क्रोध आया, उस क्रोध को दबा लिए, चाहे जो समझ करके दबाए, मजबूरी बात दबाए, विवेक से दबाए, या जैसे दबाए, अब फिर से कभी जीवन में क्रोध नहीं आएगा, ऐसा तो है नहीं। कभी एक बार लोभ आया, आपने जीत लिया लोभ को, फिर कभी लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जीवन पर्यंत इनके बार बार उठने की, उगने की, जगने की संभावना बनी रहती है। जब लगी है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लगी शत्रु मने विनय करो यही शमन हित। श्री विशाल साहब की साखी है, जब लगी है यह देह, जब तक ये शरीर है, शरीर जीवित है, प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, पूर्व जन्मों की जो वासनाएं हैं, पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, वे कभी कभी भी उभर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर ऐसे दृश्य मिलते हैं, ऐसे पदार्थ मिलते हैं, ऐसे नर नारी मिलते हैं, जिनकी संगत से बार बार पूर्व की वासनाएं उभरने का अवसर आता रहता है। और अंदर में तो है ही वासना, हमारे शरीर का निर्माण, हर व्यक्ति के शरीर का निर्माण मूल में क्या है? वासना। जो जीव शरीर धारण करके आया, वासना ना होती तो शरीर धारण क्यों करता?
वो तो मुक्त हो गया होता। वासना तो है, और वासनावशी जीव शरीर धारण कैसे करेगा? वासना में कहीं भी हो, स्त्री पुरुष का मिलन वासना से ही होता है। बिना वासना के स्त्री पुरुष का मिलन होता है क्या? स्त्री पुरुष का मिलन, स्त्री के मन में काम की वासना, पुरुष के मन में काम की वासना, वासना से मिलन होता है। तो वासनावशी जीव वही तो शरीर धारण करेगा, शरीर बना ही है वासना से। इसलिए मन में वासना का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस वासना को शमन करना। तो एक बार वासना पर विजय मिल गई, अब जीवन में कभी वासना नहीं उभरेगी। ये धोखे में रहना, अपने को पतन के गड्ढे में गिराना होगा। जीवन पर्यंत सावधानी की आवश्यकता है, जीवन पर्यंत। थोड़ी सा सावधानी होती है, वासना उभरती है और पता नहीं कहां किस गड्ढे में ले जाकर के गिरा देती है। निरंतर जागरूकता, निरंतर जागरूकता, निरंतर। तो मनमथ मरे न जीवे, सदगुरु कहते हैं मनोविकार शांत हो जाए, न जीवे, फिर से न उभरने पाए, तब क्या होगा? जीव ही मरण न होए, फिर जीव को मरना नहीं होगा। कोई वासना ही नहीं रह गई, कोई विकार ही नहीं रह गया, तो मरना क्यों पड़ेगा? हमें एक ही काम करना है, अपने को इतना सुरक्षित बना करके रखना है कि मन में विकार उठने ना पाए। बाहर नर नारी मिलेंगे, राग रंग विषय वासना पाठ पढ़ाने वाले तो मिलेंगे, बाहर वातावरण मिलेगा, ऐसे ऐसे पोस्टर मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे चित्र मिल जाएंगे जिनको देख करके विकार मन में आ सकता है, ऐसे ऐसी चीजें मिलेगी जिनको देख करके, जिनका प्रयोग करके मन में विकार आ सकते हैं। फिर से मन में विकार ना आए, इसके लिए बाहर से भी सावधान रहना है और भीतर से भी सावधान रहना है। कुसंग, कुसंग पाकर के ही दबी हुई जो इच्छाएं और वासनाएं हैं वो उभरती है। जीवन पर्यंत कुसंग से बचना होगा। थोड़े समय संयम कर लिए, साधना कर लिए, त्याग बैराग कर लिए, साधु आश्रम में रह लिए, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब तो हमारे मन की वासना बुझ गई है, अब तो हम पक्के हो गए, अब हमारा कुछ नहीं होगा। ये सोचना ही शुरुआत है वासना की। फिर से आग बुझी मत जान, दबी है राख में। साहब कहते ये मत समझना कभी आग बुझ गई है, दबी हुई है राख में। कब कुसंग की चिंगारी से हवा बहे, कब कुसंग की हवा बहे और दबी हुई जो आग है उसकी चिंगारी फिर से सुलग उठे। कुसंग का प्रयोग, जिस स्त्री पुरुष चाहे वो साधु रूप में हो चाहे गृहस्थ रूप में हो, कि संगत से हमारा मन विकारी होता है वो कुसंग है। जिस चीज को देखने से मन विकारी होता है वो देखना कुसंग है। जिस बात को सुनने से मन विकारी होता है वो सुनना कुसंग है। जिस खाने से मन विकारी होता है वो खाना कुसंग है। जिस जगह में जाने से मन विकारी होता है वो जगह कुसंग है। जिस चीज के प्रयोग करने से मन विकारी होता है वो चीज कुसंग है। जिस विचार के सोचने से मन विकारी होता है वो सोचना कुसंग है। कुसंग,
कुसंग रूप संसार है, पूरा संसार कुसंग रूप है। अपना जो ज्ञान धन है, अपना जो आत्म धन है, इसे सुरक्षित रखना है, तब कुसंग से साधारण रहना होगा। जो घर हैगा सांप का, सो घर साथ न होए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो सांप का घर है वो साधु का घर नहीं होगा। सांप के घर में रह करके आदमी निश्चिंत और निर्भय होकर के रहेगा कैसे, जिएगा कैसे, सोएगा कैसे, पता नहीं कब कौन सा सांप काट ले। सांप का घर क्या है? ये पूरा संसार सांप का घर है साधक के लिए। हमारे मन में है, हमारा मन ही सांप का घर है। कैसे कैसे सांप, जहरीले सांप भरे हुए मन में, तो बाहर सावधानी चाहिए और भीतर सावधानी चाहिए। सदगुरु कहते हैं मनमथ मरे न जीवे, मनमथ मर जाए, मनोविकार शांत हो जाए, और फिर इतनी सावधानी से जीवन का व्यवहार होना चाहिए, काम धाम होना चाहिए कि मनोविकार फिर उभरने न पाए, जागृत न होने पाए, तो जीव ही मरण न होए। तो जीव को मरना नहीं होगा क्योंकि मनोविकार शांत है, वासनाएं शांत है, तो जन्मने मरने का कोई कारण नहीं रह गया। उसी को साहब ने कहा था कि कहें कबीर कामो नहीं, निष्काम। निष्काम हो गए तो मनोविकार उभरेंगे क्यों? कामनाओं से ही मनोविकार उभरते हैं। निष्कामता इसलिए अमृत है, मनोविकारों का शांत हो जाना अमृत है, और जब हो जाएगा तो अमृत तो अपना स्वभाव है ही, अपना स्वरूप ही है। शून्य सने ही राम बिनु चले अपन पोख होए। शून्य का स्नेही, शून्य का प्रेमी व्यक्ति राम को जाने बिना, राम को पाए बिना अपने आत्मभाव को खो करके दुनिया से चला गया। जो शून्य का स्नेही होगा वो राम को नहीं जान सकता, राम को नहीं पाएगा। शून्य के दो अर्थ, शून्य का तो पहला अर्थ है जो कुछ ना हो, जिसकी सत्ता ना हो, जो है ही नहीं कहीं दुनिया में। अनेक ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे मन में उसके लिए बड़ा प्रेम है, उसी को पाने के लिए हम तड़प रहे हैं, उसको पाने के लिए रोते गिड़गिड़ाते हैं। तो जो है ही नहीं उसके लिए मन में तड़पन है, तो जो राम है उसको जानेंगे कैसे? राम का बोध कैसे होगा? तो एक शून्य है जो है ही नहीं, जिसकी सत्ता ही नहीं है, जिसके बारे में हम केवल मन से सोचते हैं, एक आकार गढ़ते हैं। दूसरा शून्य है अंत में, जो शून्य हो जाएगा अंत में, जिसका हमारा संबंध टूट जाएगा, वो शून्य। जैसे हमारा शरीर आज तो है लेकिन कुछ दिनों के पश्चात इसे शून्य हो जाना है। जिस मकान में हम, जिस हाल में हम बैठे हैं, कुछ दिनों के पश्चात इसे शून्य हो जाना है। चाहे वो कुछ दिन, साल लगे, दो साल लगे, दस साल, बीस साल, पचास साल, सौ साल, डेढ़ सौ साल, दो सौ साल, अंत में तो शून्य होना है। इसके लिए जो मोह है, जो चीजें आज है कल नहीं रहेगी, उसके लिए जो मन में आ सकती है, उसके चिंतन में जो मन डूबा हुआ है, फिर हम राम को जान नहीं पाएंगे, राम को खो देंगे।
जब रात दिन लोभ और मोह में मन डूबा हुआ है तो राम कैसे जानेंगे। तो शून्य का जो स्नेही व्यक्ति है, शून्य का प्रेमी व्यक्ति, चाहे वो शून्य जिसकी सत्ता ना हो, चाहे वो शून्य जिसकी सत्ता तो है लेकिन अंत में शून्य हो जाना है, उनसे हमारा सदा सदा काल के लिए वियोग हो जाना है, जितना जितना उसके लिए हमारे मन में मोह होता जाएगा, आसक्ति होती जाएगी, चिपकाहट होती जाएगी, हम राम से उतना दूर होते चले जाएंगे। अपने आत्मभाव से हम उतने दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि मन तो एक ही बात सोचेगा ना, या तो दुनिया की बात सोचेगा या राम की बात सोचेगा। दो ही तत्व दुनिया में हैं, एक काम है और एक राम है। काम का मतलब कामना, इच्छा, चाहना। राम का मतलब अपना आपा। अब सोच लें कि हमारा प्रेम काम के लिए है या राम के लिए है। काम को पाना चाहते हैं तो राम को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा क्या, वो छूट ही जाएगा। और राम को पाना चाहते हैं, राम के लिए प्रेम है तो कामना को छोड़ना पड़ेगा, काम को छोड़ना पड़ेगा। काम हमें बहुत प्यारा है, शरीर से लेकर संसार तक जो भी है सब काम है, उसी में हमारा मन डूबा हुआ है, उसी में आसक्त। तो शून्य से नहीं राम बिन, शून्य का प्रेमी व्यक्ति राम को जाने बिना, राम को पाए बिना चले अपन पौखोए, अपने आत्मभाव को, अपने आत्मगौरव को खोकर दुनिया से चला जाता है। जितने जितना दुनिया के लिए मोह होगा, आत्मगौरव हमारा खोता चला जाएगा, हम दीनहीन दुर्बल बनते चले जाएंगे। हमें आत्मगौरव कहाँ ख्याल है, हम आत्मगौरव में कहाँ जीते हैं, दुनिया के मोह में जी रहे हैं। दुनिया की सेवा करें, जो काम करने लायक है वो काम करें, लेकिन मोह बनाने से फायदा क्या होगा, केवल गले की फांसी। राम को खोकर और दुनिया के मोह में डूबकर हर व्यक्ति अपने आत्मगौरव को छोड़ छोड़ करके, भूल करके दुनिया से जा रहे हैं। अब ये आत्मगौरव को छोड़ देना, ये हमारी हार होगी, जीवन जीने का घटिया तरीका। साहब कहते हैं, आत्मगौरव में जीना चाहते हो, आत्मज्ञान में जीना चाहते हो, मस्ती में जीना चाहते हो, पूरे आनंद प्रसन्नता में जीना चाहते हो, तो जो चीज़ें शून्य है या शून्य हो जाने वाले हैं उसकी आसक्ति का त्याग कर दो, फिर राम को समझ जाओगे। और जो राम को समझ जाओगे वो आत्मगौरव को समझता है। फिर राम को पाए बिना, राम को जाने बिना आत्मगौरव को हम कभी समझ नहीं सकते, आत्मगौरव में जी नहीं सकते। तो ये दो साखियाँ सदगुरु कबीर की, अमृत कहीं बाहर नहीं है, अमृत हर व्यक्ति का अपना आपा है, अपना स्वरूप है। उसका ज्ञान न होने के कारण हम बाहर की वस्तुओं को अमृत मानकर उनको पकड़ते हैं, उन्हीं में मोह हो जाते, मोह बना लेते हैं, जो विष के समान है, उनमें हम मगन होकर डूब जाते हैं। साहब कहते हैं, उनकी कामना छोड़ दो, निष्काम हो जाओ, फिर जन्मने मरने चक्कर नहीं, कहीं कोई भय नहीं होगा, निर्भय होकर के जीवन जियोगे, मन के विकार मिट जाएं।
शांत हो जाए, और इस प्रकार से शांत हो जाए कि फिर कभी उभरे ना, उसके लिए निरंतर सावधानी, उसे एक रूपांतरण कर देना होगा। जैसे काम को भक्ति में बदल दिए, क्रोध को वैराग्य में बदल दिए, लोभ को ज्ञान में बदल दिए, ऐसे और मोह को प्रेम में बदल दिए, तो जब हम इस प्रकार से उसको उनको बदल देंगे तो फिर वो कल्याणदायी हो जाएगा, फिर वो बंधन कारण नहीं बनेगा। मूल बात यहाँ पर है कि असावधान जहाँ होते हैं वहीं हम भटकते हैं, असावधान नहीं होना है। पूरी सजगता के साथ, सावधानी के साथ जीना है ताकि मनोविकार फिर उभर करके मन में छाने ना पाए, तो जी को मरना नहीं होगा। और जो शून्य का मोह छोड़ देता है वह अपने आत्मगौरव को समझता है, आत्मगौरव में जीता है, राम को वही पाता है। और जो राम को पा लिया, मानो सब कुछ को पा लिया, कुछ पाना बाकी रह नहीं गया। यही काम हमें करना है और इसी काम के लिए संतों गुरुजनों का आदेश है। 5 मिनट बाकी है, शांत होकर के बैठें, मनन करें, चिंतन करें, या जो साधना आपको बताया गया है उसमें मन को डुबा करके रखें।